प्रिय भक्तों, आज मोक्षदा एकादशी के महत्वपूर्ण दिवस पर हम आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा और धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसका अगर आप पूरा 108 बार जाप या श्रवण कर लेते हैं तो आपको जो फल प्राप्त होगा उसके लिए अगर आप पूरा साल भी पूजा पाठ में लगे रहे तो भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी सभी पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि और माता लक्ष्मी के नाम का सुमिरन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। यह तिथि गीता जयंती के नाम से विख्यात हो गई। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन गीता अवश्य पढ़ें। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। मोक्षदा एकादशी वैकुंठ में स्थान दिलाने वाली और परिवार को हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत और लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करने वालों के पितरों को मोक्ष मिलता है और वह तृप्त रहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी के दिन इस मंत्र का श्रवण करते हैं उनका यश संसार में फैलता है। उनके कार्य में कोई मुश्किलें नहीं आती। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो प्रिय भक्तों, आइए माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा पाने के लिए इस महाकाय मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। आपको यह मंत्र पूरा 108 बार श्रवण करना है। कोई भी मंत्र तभी कार्य करता है जब उसका जाप या श्रवण कम से कम 108 बार किया जाए। आप जिस भी कार्य में व्यस्त हैं वह करते रहिए और इस मंत्र को सुनते रहिए। आज के समय में आप सभी के पास मोबाइल फोन है तो आपके लिए यह मंत्र श्रवण करना बहुत ही आसान है। सुनते सुनते आपको यह मंत्र याद हो जाएगा। फिर हर समय अपने आप ही आपके अंदर इस मंत्र का जाप चलता रहेगा, घंटी की तरह बजता रहेगा। मंत्र सुनने से पहले आपसे यह अनुरोध है कि अगर हमारे बताए हुए मंत्रों से आपको लाभ मिल रहा है और आप हमारे वीडियो पसंद भी करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मंत्र का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मंत्र इस प्रकार है। ॐ श्रीं रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं रीं श्रीं लक्ष्मी नमः ॐ श्रीं रीं श्रीं
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री ह्री श्री
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री
कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री लक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री लक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री री श्री
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्री रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री रीं श्री ॐ महालक्ष्मी नमः